स्पोर्ट्स एनालिस्ट J&K इस वक्त स्पोर्ट्स टॉक शो के लिए आपसे मुखातिब हूँ। मटन के इस खूबसूरत फर्स्ट ग्रैंड ग्राउंड से मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज यहाँ MI अपूरा और दूसरी टीम IB टाइटन्स के दरमियान मैच हो रहा था, तो खुशकिस्मती मेरी कि मुझे आज आदिल अहमद, जिसको आदिल काचू के नाम से भी लोग जानते हैं, शुपियन से बिलोंग करते हैं, तो मैंने इसकी बैटिंग देखी आज पहली बार, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई दौरा, इसके शॉर्ट सिलेक्शन मैंने गेंद को अकॉर्डिंग टू मेरिट खेलते थे, तो जानना चाहूँगा आपसे कि आप ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, शुपियन से आए हैं, प्रीमियर लीग MPL चल रहा है, तो पहले मैं जानना चाहूँगा MPL के बारे में आपका आपके तासुरात जानना चाहूँगा। MPL तो जैसे सबको पता है कि ये बहुत बड़ी लीग है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स खेलने आते हैं, तो मुझे भी MI वालों ने बोला कि आप हमारे साथ यहाँ पे खेलो, तो मैंने सोचा ये भी अच्छी टीम है, तो इनके साथ खेल के मुझे आगे मौका मिलेगा खेलने का, अगर यहाँ पे जैसे परफॉर्म अच्छा होगा तो फिर अच्छा। आदि साहब मुझे बताइए, लोगों का जोश खरोश है और लीग जोरों पर है, तो आपको कितना मज़ा, अगर आप शुपियन की बात करें, शुपियन में मैंने देखा कि ज़्यादा क्रिकेट नहीं, अगर मैं अनंतनाग को ले लूँ तो अनंतनाग के मुकाबले में वहाँ कम क्रिकेट खेला जाता है, तो आपको यहाँ अनंतनाग में किसी भी ग्राउंड में आप खेलेंगे तो कैसा महसूस होता है? ये तो ऑब्वियसली है कि हम शोपियां में जब खेलते हैं तो उधर ग्राउंड्स बहुत कम है, कुछ ही ग्राउंड्स है, मतलब जो मेन शोपियां है वहाँ पे स्टेडियम एक है और एक दो जगह पे ग्राउंड्स है, और अनंतनाग की बात करेंगे तो यहाँ पे मुझे लगता है 30-40 से ऊपर ग्राउंड है, और वो भी अच्छे अच्छे और बड़े बड़े ग्राउंड, तो यहाँ पे जब आते हैं खेलने तो जब आप मेंटेनेंस ग्राउंड पे खेलते हैं तो कुछ और मज़ा आता है उसमें, तो शोपियां में आपको पता ही है ग्राउंड्स कम है और वहाँ पे। अच्छा मैं आज सब अगर आपसे पूछूं कि जो आपका शॉर्ट सिलेक्शन था वो देखने काबिल था, तो किससे आप कोचिंग कहाँ कर रहे हैं, या प्रैक्टिस वहाँ पर है जहाँ पर प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, या आपका कोई कोच है, तो जानना चाहूँगा। जी सर, अभी कोच नहीं है, पर प्रैक्टिस में रोज़ करता हूँ अपने शोपियां ग्राउंड में, और इंशाल्लाह मैं Under-23 के लिए तैयारी करता हूँ, जो पिछले 2 सालों से उधर ही रहा हूँ, कैंप में 2 बार गया हूँ, और इंशाल्लाह इस साल मुझे लगता है कि इस साल मौका मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा आदिल साहब मुझे बताएं, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जा रहा है उसके लिए ट्रायल्स गए थे, शुपियन डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रायल्स हुए होंगे, तो आपका नाम उन ट्रायल्स में आया है कि आप सिलेक्ट हुए हैं, तो अच्छा आपने शेर कशीर स्टेडियम में अभी तक कोई मैच खेला है? जी जी, एक मैच खेला है मैंने, तो 2 मैच खेले मैंने, तो उनमें मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, तो इंशाल्लाह आगे मेरी मैच करेंगे तो उन्हें अच्छा करेंगे। अच्छा आखिर पर एक सवाल, क्रिकेट और ड्रग एडिक्शन आप जानते हैं तो ये 2 मुतनाज़ चीज़ें हैं, कैसे लेते हैं, क्या एडवाइस जाएगा आपको, आप जैसे छोटे, आपसे जो छोटे उम्र के बच्चे हों, तो आपका मैसेज क्या जाएगा उनके लिए ड्रग एडिक्शन और क्रिकेट के ऊपर? अगर बात यही है कि अगर क्रिकेट खेलेंगे तो इसमें आपको एक तो आप बॉडी जो आपकी रहेगी वो बिल्कुल हेल्दी रहेगी, फिट रहेगी, तो ड्रग तो पता ही है, अगर एक तो क्रिकेट में आपको इज्जत भी मिलेगा और बॉडी हेल्दी भी होगी। अच्छा, और आप ड्रग एडिक्ट बनोगे तो वहाँ पे आपको एक तो इज्जत मिलेगी लोगों की ओर से, और अपने माँ बाप भी आपको खुश नहीं होंगे, और उससे बुरी बात क्या हो सकती है। अच्छा अगर मैं वेली की आखिर पर अगर मैं वेली की बात करूँ, तो कौन सा बल्लेबाज है जिससे आप इंस्पायर हुए हैं? जी मैं तो वैली, यहाँ पे तो परवेज भाई है, परवेज रसूल, जिसने मतलब मुझे लगता है पिछले 4-5 सालों से वो खेलते आ रहे हैं, और वो हमेशा 200-300 तो करते ही हैं, और जो मुझे लगता है कि बाकी जो जितने भी छोटे छोटे प्लेयर्स हैं यहाँ पे, तो उनको वो बहुत इनक्रेज करता है, तो मैं भी उसी से इंस्पायर हुआ हूँ, वो मतलब यहाँ के तो सुपरस्टार है वो J&K के, तो उसी से मैं इंस्पायर। आदिल साहब आपको लोग आदिल कर, मैं आपका फेसबुक पर मैं आपके फ़ोटोज़ देखता हूँ, आपकी इनिंग्स देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो आपने सपोर्ट स्टॉक शो के लिए मेरे साथ बात की इस मटन के इस खूबसूरत ग्राउंड से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।